वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिंपल सलवार में जेब लगा के दिखाऊंगी, बिना बेल्ट की जो सलवार होती है उसमें। तो ये देखिए, ये मैंने सिंपल सलवार की कटिंग कर रखी है। ये मैंने चैन लिया है बिल्कुल अलग कलर की, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और ये जो कपड़ा मैंने लिया जेब के लिए, ये देखिए, ये कपड़ा, इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो है 7 इंच, और इसकी लेंथ जो है वो है 21 इंच। ये देखिए, 7 इंच चौड़ाई और 21 इंच लंबाई मैंने ली है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे इस कपड़े को देखिए इस तरह कर ऐसे करेंगे। ये सीधी तरफ है, नीचे की तरफ उल्टी तरफ है। तो यहाँ से कपड़े को मैं 7 इंच फोल्ड कर लूँगी, केवल 7 इंच हमने करना है। ये देखिए, ये 7 इंच पे फोल्ड हो गया है। और अब इसमें हम इस साइड भी सिलाई लगाएंगे और इस साइड भी। यहाँ पे जो हम सिलाई लगाएंगे, ये देखिए इस तरफ, तो यहाँ पे एक पैर का दबा यानी आधा इंच हम खुला छोड़ देंगे, आधा इंच छोड़ते हुए, और यहाँ पे भी एक पैर के दबा से सिलाई लगाएंगे, सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब यही सिलाई हम इधर भी लगाएंगे। अब इसे हम सीधा कर लेंगे, देखिए इस तरह से। ये बिल्कुल वैसे ही लगेगी जैसे हम जेंट्स के कुर्ते में जेब लगाते हैं। ये देखिए, ये हमारी जो है जेब की सिलाई हो गई है। अब हमने जो है इसको सलवार को ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए, ये हमारे पार्ट हैं। तो इसका एक हिस्सा लेंगे हम, ये किनारी वाला हिस्सा इधर है, और अब इसका भी, कली का भी हम एक लेंगे किनारी वाला। इसमें जो है ये एक पार्ट लिया है मैंने, देखिए एक मैंने पल्ला लिया है और एक ये कली ली है, और ये लिया है किनारी वाला हिस्सा। तो किसी भी कली में आप ये डाल देंगे, क्योंकि इसमें दोनों तरफ, सादी सलवार में दोनों तरफ नाड़े डालने का होता है। अपने आप वो नाड़ा जब डालेंगे तो सीधी तरफ देख के हम डालेंगे। तो इसमें 2.5 इंच हमारा जाता है, देखिए यहाँ फोल्ड का, इसी में हमारा आसन होता है। तो यहाँ से जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ऊपर से यहाँ से देखिए हम 5 इंच, 5 साढ़े 5 इंच तक इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको। यहीं पे इसको पक्का कर देंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमने जेब के लिए जो ओपन छोड़ना है, तो 5.5 से 6 इंच तक, 5.5 से 6 इंच तक छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं छोड़ रही हूँ 5.5 इंच। ये छोड़ने के बाद हम नीचे इसकी जो है पल्ले की सिलाई कर लेंगे। ये 5.5 इंच छोड़ दिया है, तो यहीं से हम इसकी यहाँ पक्का करते हुए,
ये देखिए मैं दिखाती हूँ कि ये किस तरह से ओपन हुआ है। ये देखिए ये 5.5 इंच मैंने छोड़ा है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले चैन लगाएंगे। अब यहाँ पे या तो आप प्रेस कर ले या नाखून से बैठा ले, मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ अब हम चैन को रखेंगे नीचे, और ये देखिए इसको हम यहाँ से अच्छे से, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो पहले कच्ची सिलाई लगा ले या प्रेस लगा ले, जो मैंने पहले ही बता दिया है। हम इसको ऐसे रखेंगे इस तरह से थोड़ा ऊपर निकालते हुए, और यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। बिल्कुल अच्छे से इसको बैठा लेना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसको हम ऐसे पकड़ के अच्छे से सी लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम फिर ज्वाइंट के पास आएंगे तो यहाँ बिल्कुल अच्छे से पक्का करते हुए इसको ऐसे घुमा लेंगे, और ये देखना हमने बिल्कुल हमारा सीधा होना चाहिए कपड़ा। यहाँ पे डबल सिलाई लगाते हुए अब हम जो ये हमारी अंदर जो है ये चैन है इसको ऐसे निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से रनर को बाहर निकाल लेंगे। ये रनर मैंने अंदर अगर रह गया तो चैन हमारी बंद हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान से हमारा रनर ना टूटे इसको आराम आराम से पीछे कर लेते हैं इस तरह से। अच्छे से पक्का कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा ऊपर हमारा ठीक है, 1 इंच ज्यादा है। नीचे हमारी जितनी ये चैन एक्स्ट्रा है इसको हम ऐसे कट कर देंगे। अब ये सीधा करके मैं दिखाती हूँ, कली के अंदर ही इसमें ये लगाई जाती है जेब। ये देखिए ये हमारे अच्छे से चैन बंद हो रही है। अब हमने इसमें जेब लगानी है। ये हमारी जेब है तो देखिए इसको हम, ये हमने सिलाई करी थी, यहाँ छोटा सा कट लगा लेंगे बिल्कुल बीच में। ये देखिए इस तरह से ये मैंने छोटा सा कट दिया है। अब इसको हम उल्टा करेंगे इस तरह से, इसको ऐसे घुमा लेंगे हम। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला है। तो नीचे वाले हिस्से पे ये देखिए इसको ऐसे रखते हुए, जो हमने यहाँ पे चैन को बंद किया है उस जगह पे ऐसे रखेंगे बिल्कुल, और यहाँ पे सिलाई लगानी है हमने जेब की। सीधी सिलाई हमारी लगनी चाहिए। ये देखिए जो मैंने एक पैर का दबा छोड़ा था उस, वो कपड़ा अब इसमें दब जाएगा।
अब इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे, धागा कट करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह इसको बिल्कुल सीधा करेंगे और यहाँ भी बीच में हम एक कट लगा लेंगे ताकि हमारा बीच का पता रहे और ये सिलाई बिल्कुल सीधी आए। तो ये देखिए अब यहाँ पे ये हमने जो है एक पैर के दबाव से वहाँ सिलाई लगाई थी, तो इस कपड़े को ऐसे मोड़ते हुए इसको हम एक पैर के दबा जो हमने नीचे से सिलाई लगाई थी ऐसे करते, और यहाँ भी हम इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ये सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब इसको ऐसे घुमाएंगे। ये जो हम सिलाई लगाएंगे ये हमने ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा बिल्कुल ऐसे सीधा आए, सिलाई टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ये देखिए यहाँ से भी मैंने फोल्ड कर लिया है जितना ही अपने आप फोल्ड हो जाता है, और यहाँ से भी ऐसे इसको फोल्ड करेंगे। अब इसको ऐसे घुमा लेंगे। ये देखिए जहाँ तक हमारा ये ओपन है वहाँ तक हमने इसको सीलना है और ऐसे डबल करके बंद कर देना है। अब मैं सीधा करके दिखाती हूँ कि जेब हमारी कैसी लगी है। ये देखिए हमारी जो है इस सीधी तरफ से इस तरह से आएगा, और ये देखिए ये जब हम चैन खोलेंगे तो हमारी जेब जो है, मैं दिखाती हूँ हाथ डाल के, ये देखिए यहाँ तक जेब है 7 इंच की, ये इतनी बड़ी ये जेब है। और अब मैं इस तरफ से भी दिखाती हूँ, उल्टी तरफ से भी अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए ये जेब मैंने लगाई है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।